कुंवर, अब सर का दर्द कैसा है? पता नहीं यार, ये ऐसा लगता है जैसे ये दर्द अपने साथ ही लेके जाएगा मुझे, खत्म ही नहीं होता। उम्र, मैं नोट कर रही हूँ कि जब से रामीन के रिश्ते की बात छिड़ी है तब से आपकी परेशानी शुरू हुई है। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे? कुछ भी नहीं छुपा रहा। आप हमेशा ये करते हैं, जब जब आप परेशान हुए आप मुझसे बात शेयर करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर लेते। कैसे पढ़ लेती हो मेरे दिल, कैसे जान लेती हो दिल की बात? बहुत अच्छा करती हूँ। मैं हूँ तुम्हारी मोहब्बत के काबिल? ऐसे क्यों कह रहे हैं? 22 सालों में जितनी मोहब्बत और इज्जत आपने मुझे दी है, मेरी मोहब्बत उसके सामने कुछ नहीं है। उमर, आपके एहसानात। एहसानात कहां से आ गए? बीवी हो तुम, जिंदगी की साथी हो तुम, और मैं एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? शेयर करें अपनी परेशानी पे मुझसे। अरे बाबा, कुछ नहीं है, ऐसी कुछ बिजनेस की परेशानियां हैं। जब से यहाँ आए तब से कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा। जितनी बिजनेस डील्स बनाने की कोशिश की है, एक भी नहीं बन पा रही। कई जगहों पे टेंडर भरे हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो। नया शहर है, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने में, उनका ट्रस्ट गेन करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। क्या गलती हो गई मुझसे? ये शहर रास ही नहीं आया। गलती तो हुई आपसे, आपने मेरी बात जो नहीं सुनी। कितना कहा था मेरी ट्रीटमेंट बाहर होने की कोई जरूरत नहीं, करोड़ों बहाए आपने। अब ले देकर सिर्फ ये घर ही है ना, ये जायदाद, ये पैसा, ये बिजनेस किसका था? तुम्हारा ही तो है। मेरे नहीं, हमारे। अच्छा चलो, एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए तो मुझे ये बताओ कि इस पैसे का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या था? तुम्हारा इलाज तो हो रहा था ना। मुझे लगता है कि रामीन हमारी इकलौती बेटी है, हमें उसके फ्यूचर का सोचना चाहिए, उसके लिए कुछ सेविंग होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये घर हम उसके नाम करते? बेटी की खुशियां इन कागजों से मशरूत नहीं। अगर उसको कुछ देना ही है तो दुआ दो कि अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे। आमीन। और फिर भी अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो कर लो।